नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा भट्ट। हल्द्वानी में पुलिस को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, काठगोदाम पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बरेली के स्मैक तस्कर को लाखों की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट की ओर से लक्ष्य नशा मुक्त नैनीताल बनाने के लिए मादक पदार्थों की बिक्री करने वाले तस्करों के खिलाफ अपने अपने थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर अवैध तस्करी करने वालों की धरपकड़ करने के लिए सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था, जिसके चलते एसपी सिटी हरबंस सिंह, क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी के निर्देशन में थानाध्यक्ष काठगोदाम प्रमोद पाठक और प्रभारी एसओजी नैनीताल राजवीर नेगी के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम द्वारा बीते दिन क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर से 138 ग्राम स्मैक बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें, पकड़े गए आरोपी का नाम सुरेश मौर्य है, जिसे बेलवाल कॉम्प्लेक्स के पास से काठगोदाम से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो अक्सर भारी मात्रा में स्मैक बरेली से लाकर हल्द्वानी और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में सप्लाई करता है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी के साथ शामिल अन्य साथियों और उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं इसी कड़ी में दूसरी सफलता पुलिस को इनामी और वंचित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में लगी है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षक में थानाध्यक्ष रमेश सिंह बोरा के दिशा निर्देशन में थाना स्तर पर टीम गठित कर मुखानी थाने से चौकी प्रभारी कमित जोशी के नेतृत्व में वंचित चल रहे आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी 22 साल के आमिर को थाना मुखानी और हल्द्वानी पुलिस की संयुक्त टीम ने फायर स्टेशन से 200 मीटर करीब मंडी बाईपास जाने वाले रास्ते पर फरार स्टेशन की ओर से आने वाले सड़क पर बीते दिन हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक जोड़ी पायल, एक जोड़ी बिछुए समेत लगभग आधा दर्जन सामान बरामद किया। ऐसे में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये दो मामले हैं, एक जो है स्मैक आपका जो पेडलर है वो पकड़ा गया है, ये आपका सुभाष नगर बरेली का रहने वाला है, आपका सुरेश मौर्य इसका नाम है, और ये पूर्व में भी हमारी जो पूछताछ हुई थी उसमें इसका नाम निकल के आया था। आज ये कल ये बेलवाल कॉम्प्लेक्स के पास अपनी मोटरसाइकिल से जब आ रहा था तो एसओजी और लोकल पुलिस काठगोदाम द्वारा इसको ट्रैप किया गया। 138 ग्राम इससे स्मैक बरामद हुई है। 5000 रुपये का इनाम हमारी टीम को मेरे द्वारा दिया गया है, और इसके जो क्रिमिनल इतिहास है और जो यहाँ के लोकल इसके नेटवर्क है, इसको पुलिस तलाश रही है और जल्दी इसका खुलासा भी किया जाएगा। दूसरा, आमिर जो है एक अच्छा नकबजन है, ये अंतर्राज्यीय आपका नकबजन है, इसके यूपी में बहुत सारे केस हैं, यहाँ भी 4 नकबजनी के केस में ये वांटेड चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम पुलिस द्वारा पूर्व में किया गया है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक अच्छा उपलब्धि के रूप में मानी जाएगी, क्योंकि ये फिर यहाँ नकबजनी के उद्देश्य से आया हुआ था। तो ये थी हमारी सहयोगी निशा उप्रेती की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।